Good morning, children. It's your study time. Are you ready? Okay. Today we are going to learn English. आज मैं आप लोग को English में ये O letter book में और copy में लिखने के लिए बताऊंगी, ठीक है? आज मैं आप लोग को O letter पढ़ने के लिए और लिखने के लिए बता रही हूँ. Understand? Look here. Color the letter O. ये O letter को color करना है. देखिए मैं यहाँ color करके रखी हूँ, ठीक है? आप अपने book में O letter को color कीजिएगा. Understand? Next, read aloud letter O. O is for orange. O R A N G E, orange. आप लोग को मालूम है बच्चों, O for orange. आप लोग बुक में पढ़े भी होंगे. तो देखिए आज मैं आप लोग को O letter बुक में लिखने के लिए बता रही हूँ. Okay. Next, circle the picture that begin with the letter O. यहाँ आपको तीन पिक्चर दिखाई दे रहा है. ये तीन पिक्चर में जो O लेटर से स्टार्ट होता है उसको सर्कल करेंगे. ओके, यहाँ देखिए ये आउल है, तो आउल आपका O लेटर से स्टार्ट होता है. ये ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस भी O लेटर से स्टार्ट होता है. और ये रैट है, तो ये R से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो ये आउल और ऑक्टोपस को सर्कल करेंगे. अंडरस्टैंड? इस तरह से आउल को सर्कल करना है और ये ऑक्टोपस को भी इस तरह से आप सर्कल करेंगे, ठीक है? ऑक्टोपस भी ओ लेटर से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये आपको देखिए यहाँ पर ओ लिखा हुआ है ना, तो ओ ये थ्री लाइन को टच करते हुए बिल्कुल आपको गोला सर्कल बनाते हुए ओ लिखना है, ठीक है? नेक्स्ट, ट्रेस एंड राइट ओ. यहाँ ओ लिखा हुआ है, इस पर आपको पेंसिल ट्रेस करना है. देखिए मैं ट्रेस करके बता रही हूँ, आप अपने बुक में इस तरह से ट्रेस कीजिएगा. ये बिल्कुल सर्कल बना देना है आपको और थ्री लाइन को देखिए ये टच करते हुए ये डॉट्स पर पेंसिल चलाना है इस तरह से ओ. फिर देखिए थ्री लाइन को टच करते हुए ये डॉट्स पर पेंसिल चलाइएगा. ओ, ओ फॉर ऑरेंज. यहाँ ट्रेस करना है आपको पेंसिल से. देखिए यहाँ भी डॉट्स पर मैं पेंसिल से ट्रेस करके बता रही हूँ, बिल्कुल सर्कल होना चाहिए ओ लेटर. ओ फॉर ऑरेंज. आज मैं आप लोग को बुक में लिखा रही हूँ क्योंकि आगे भी आप लोग को लेटर लिखना आना चाहिए. तो इस तरह से आपको ओ लिखना है. आज आप लोग को मैं ओ, ओ फॉर ऑरेंज ये बता रही हूँ बुक में लिखने के लिए और कॉपी में भी लिखने के लिए बताऊंगी. ओके, नेक्स्ट, ट्रेस एंड राइट ओ. यहाँ भी देखिए ये डॉट्स पर पेंसिल चलाना है. ओके, आप ट्रेस कीजिएगा. देखिए यहाँ भी मैं ट्रेस करके बता रही हूँ, ये डॉट्स बना हुआ है, इस पर आपको ट्रेस करना है और ये थ्री लाइन को टच करते हुए देखिए बिल्कुल आपको वो सर्कल बनाना है ओ. ओ फॉर ऑरेंज. इस तरह से आपको डॉट्स पर पेंसिल चलाना है. यहाँ तो डॉट्स बना हुआ है बच्चों, इसलिए आप पेंसिल चला के प्रैक्टिस कीजिएगा.
ठीक है। देखिए ये डॉट्स है, यहाँ पर इस तरह से आपको ट्रेस करना है। ओ फॉर ऑरेंज, फिर यहाँ भी ट्रेस कर रही हूँ डॉट्स पर, आपको इस तरह से ट्रेस करना है। ओके नेक्स्ट यहाँ भी देखिए, जहाँ तक आपको बुक में दिया हुआ है ट्रेस करने, वहाँ बहुत ही केयरफुली ट्रेस कीजिएगा। ओ बिल्कुल सर्कल होना चाहिए और थ्री लाइन को टच करते हुए इस तरह से आपको ओ लिखना है। ओ फॉर ऑरेंज, डॉट्स पर इस तरह से घुमाते हुए ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। देखिए पेंसिल को उल्टा नहीं चलाना है, पेंसिल को इस तरह से ओ लेटर पर चलाइएगा इस तरह से। ओके यहाँ भी देखिए बता रही हूँ, यहाँ आपको ट्रेस करना है, धीरे धीरे आप पेंसिल से ट्रेस कीजिएगा ओ। ओ ओके नेक्स्ट देखिए। ओके चिल्ड्रेन देखिए, ये आप लोग को मैं आज ओ लेटर पढ़ा रही हूँ, और ये ओ लेटर आप बिल्कुल थ्री लाइन को टच करते हुए ही लिखिएगा। आपको डॉट्स पर यहाँ पेंसिल चलाना है, जहाँ तक दिया हुआ है डॉट्स वहाँ आपको पेंसिल चलाना है। देखिए इस तरह से आप बुक में आज ओ लिखिएगा, ओ फॉर ऑरेंज, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने का है, ऊपर आपको डॉट्स पर पेंसिल चला के यहाँ आपका प्रैक्टिस हो रहा है। इस तरह से आपको ओ लेटर बुक में लिखना है। ओ ओ फॉर ऑरेंज, ओ फॉर आउल, ओ फॉर ऑक्टोपस, ठीक है। आप लर्न भी कीजिएगा अपने बुक से। ओ फॉर ऑरेंज, ये डॉट्स पर बहुत ही केयरफुली पेंसिल चलाइएगा बच्चों, क्योंकि आपका ये सर्कल नहीं बनेगा तो फिर नाइसली राइटिंग भी नहीं होगा आपका, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे आप डॉट्स पर पेंसिल चलाते हुए इसको सर्कल बनाइएगा। ये आपका ओ, ओ फॉर ऑरेंज, ओ लेटर आप लोग को मैं बुक में बता रही हूँ। ओ थ्री लाइन को टच किए, ओ ओ फॉर ऑरेंज, जहाँ तक डॉट्स बना हुआ है वहाँ तो बच्चों इजी है आपको ट्रेस करना। यहाँ पर आपको इस तरह से पेंसिल से ओ लेटर पर ट्रेस करना है। ओ फॉर ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, ओ ओके यहाँ भी देखिए ट्रेस करके बता रही हूँ। ओ अब यहाँ से देखिए बच्चों, यहाँ पर डॉट्स बना हुआ है, ये डॉट्स पर आपको ओ लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं लिख करके बता रही हूँ, ऊपर आपको ट्रेस करना था, अब यहाँ आप अपने से लिखिएगा। तो देखिए कैसे लिखना है मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल सर्कल बनाते हुए
इस तरह से आपको ओ लिखना है ना, सर्कल एकदम होना चाहिए। देखिए फिर मैं बता रही हूँ, इस तरह से इसको सर्कल बनाए है ना, ये ओ हो गया, ओ फॉर ऑरेंज। ये ऐसे घुमाएंगे और ऊपर ले जाएंगे, ओ, ओ फॉर ऑरेंज। यहाँ आपको ट्रेस नहीं करना है, यहाँ लिखना है बच्चों। तो देखिए मैं लिख करके ही बता रही हूँ आपको, आप भी अपने बुक में इसी तरह से नाइसली राइटिंग में लिखिएगा, ओ, ओ फॉर ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज, ओ, ओके। नेक्स्ट लाइन में देखिए, यहाँ भी लिख रही हूँ, यहाँ से डॉट्स बना हुआ है, आप ऊपर पेंसिल रखिएगा, उसको घुमाते हुए इस तरह से आपको ऊपर की तरफ ले जाना है और यहाँ मिलाना है ओ। ओ, ओ फॉर ऑरेंज, ठीक है, इस तरह से लिखना है बच्चों। बुक में देखिए आपको बहुत इजी कर दिया गया है, पहले आप ट्रेस कीजिएगा, ट्रेस करके प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा, उसके बाद आप लिखिएगा ओ। यहाँ भी देखिए लिख करके बता रही हूँ, थ्री लाइन को टच करते हुए इस तरह से सर्कल बनाएंगे, ओ, ओ फॉर ऑरेंज। O for orange, ओके। अब यहाँ नेक्स्ट लाइन में भी देखिए लिख रही हूँ, O for orange, O for orange। O for orange, इस तरह से आपको अपने इंग्लिश के बुक में लिखना है और बुक में बिल्कुल लाइन को टच करते हुए लिखिएगा बच्चों, क्योंकि आप लाइन टच करके नहीं लिखिएगा तो आपकी राइटिंग नाइसली नहीं होगी, ठीक है। थ्री लाइन को टच करते हुए देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा से लाइन भी बना हुआ है और थ्री लाइन बच्चों को समझ में भी आ जाएगा। इस तरह से आपको O for ऑरेंज लिखना है, ओके। नेक्स्ट देखिए, O for ऑरेंज, O, O for orange, O for owl, बुक में लर्न कीजिएगा, O for octopus, सर्कल बनाते हुए आपको O लिखना है बच्चों। अगर आप थ्री लाइन को टच करके नहीं लिखेंगे तो आपकी राइटिंग नाइसली नहीं होगी, इसलिए थ्री लाइन को टच करके ही लिखना है। इस तरह से आपको लाइन को टच करना है O, ओके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी बता रही हूँ, O फॉर ऑरेंज, O फॉर ऑरेंज, O फॉर ऑरेंज। O for orange, सर्कल अच्छा से बनाइएगा तो आपका O लेटर जो है वो नाइसली होगा, अगर आपका सर्कल सही नहीं होगा तो फिर आप लेटर भी सही नहीं लिख पाएंगे बच्चों, इसलिए आपको देखिए इस तरह से O लिखना है बुक में।
O for orange. O. आज आप लोग को मैं O लेटर बुक में लिखने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि आगे भी आपकी पढ़ाई लेटर आप सीख सके, पढ़ाई हो, इसलिए मैं देखिए आज O लेटर बुक में लिख करके आपको बता रही हूँ, ठीक है। वर्ड्स में भी आपको मैं बता रही हूँ और आज मैं O लेटर बुक में लिखने के लिए बता रही हूँ। इस तरह से आपको O अपने बुक में लिखना है बच्चों, ठीक से देखिए। O जो है ये थ्री लाइन को टच करके ही लिखिएगा और बिल्कुल आपका O जो है ये सर्कल होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको थ्री लाइन को टच करना है और O सर्कल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैं HW आपको दे रही हूँ, ये आपका HW हो गया, ठीक है। आपको O लेटर बुक में लिखना है। आज आप लोग O, O for orange, ठीक है। अब मैं आपको कॉपी में भी लिख करके बताऊंगी बच्चों, क्योंकि आपको इंग्लिश की कॉपी में भी बहुत जरूरी है थ्री लाइन को टच करते हुए लिखना। तो बच्चों देखिए आप लोग को कॉपी में बता रही हूँ, देखिए ये इंग्लिश की कॉपी है, ठीक है। और ये इंग्लिश की कॉपी में आप लोग को O लिखना है। देखिए कॉपी में भी आपको थ्री लाइन को टच करके ही लिखना है। ऊपर यहाँ लिखी हूँ ना, O, O for orange। और चलिए आज मैं आपको कॉपी में भी लिख करके बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों को जब तक कॉपी में नाइसली राइटिंग नहीं लिखने आएगा तो फिर आपको आगे जब भी कॉपी में लिखना होगा तो बहुत मुश्किल होगा बच्चों। तो देखिए ये आपको थ्री लाइन को टच करते हुए आप सर्कल बनाइएगा और O, ठीक है। आप ऊपर में कॉपी में अपने घर में किसी बड़े को बोलिएगा O लिख देंगे और फिर आप इस तरह से अपनी कॉपी में O लिखिएगा। O, O for ऑरेंज, O, थ्री लाइन को टच करते हुए लिखिएगा बच्चों, तो आपकी राइटिंग बहुत नाइसली होगी, आपको लेटर भी लिखना आ जाएगा। O for orange, O for orange। नेक्स्ट देखिए यहाँ भी लिख करके बता रही हूँ, थ्री लाइन को टच करते हुए O, O for orange, O R A N G E, orange। इस तरह से आपको सर्कल बनाना है ना, सर्कल बनाते हुए आपको ऑरेंज O लिखना है। अब नेक्स्ट लाइन में भी बता रही हूँ बच्चों, आपको देखिए एक एक लेटर मैं कॉपी में भी लिख करके बताती हूँ और बुक में भी जब लिखना रहता है तो वो लेटर पूरा लिख करके बताती हूँ, इसलिए बच्चों आप अपने बुक में बहुत ही। फिर देखिए यहाँ भी मैं लिख करके बता रही हूँ बच्चों, ये आप O इस तरह से लिखिएगा, थ्री लाइन को टच करते हुए O, O for orange। O, O for orange। ओके, नेक्स्ट लाइन में भी लिख रही हूँ, थ्री लाइन को टच करते हुए इस तरह से आपको O लिखना है। सर्कल बनाते हुए लिखिएगा तो आपका राइटिंग बहुत नाइसली होगा बच्चों। नेक्स्ट
नेक्स्ट लाइन में भी देखिए, यहाँ पर बता रही हूँ इस तरह से आपको लिखना है, ओ फॉर ऑरेंज, ओ ओके। यहाँ भी देखिए इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखिएगा बच्चों। आज आप लोग को मैं बुक में और कॉपी में ओ लेटर लिख करके बता रही हूँ, ओ फॉर ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज। आप लर्न भी कर लीजिएगा, ओ ओके। ओ फॉर ऑरेंज, यहाँ भी देखिए लिख करके बता रही हूँ आपको, ओ ओ ओ फॉर ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज। ओके चिल्ड्रेन, यहाँ देखिए ऊपर में आपको एच डब्ल्यू दे रही हूँ, या आप अपने बुक में और कॉपी में नाइसली राइटिंग में लिखिएगा बच्चों, अंडरस्टैंड। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को बुक में और कॉपी में ओ लेटर लिखना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।